भारत चीन एलसी पर हुई झड़प में जिला हमीरपुर का जवान शहीद हो गया है। जिला हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के गांव कड़ोता के 21 वर्षीय अंकुश ठाकुर ने शहादत पाई है। अंकुश 2018 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। भोरंज के कड़ोता गांव में जवान बेटे की शहादत के बाद माहौल गमगीन है। अंकुश के पिता व दादा भी सेना में सेवाएं दे चुके हैं। बताया जा रहा है कि अभी 10 माह पहले ही अंकुश ने रंग रोटी छुट्टी काटने के बाद ड्यूटी ज्वाइन की थी। अंकुश के शहादत पाने की सूचना मिलने के बाद से घर पर काफी लोग सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। सैनिक की पार्थिव देह की कल सुबह तक गांव में पहुंचने की उम्मीद है। शहीद का एक छोटा भाई भी है जो अभी छठी कक्षा में पढ़ता है। परिवार व ग्रामीणों में शोक की लहर है। बढ़िया लेने पे पता लगो भी आम आके मेरी शहीद अंकुश के पिता अनिल कुमार ने बताया कि आर्मी हेडक्वार्टर से फोन पर सूचना मिली है और हमें गर्व है कि 16 साल के बाद भर्ती हो गया था। उन्होंने कहा कि चीन ने गलत किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पूरे परिवार में खुशियां थी, लेकिन चीन की वजह से खुशियों पर ग्रहण लगा है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि चीन की कार्रवाई बहुत ही गलत हुई है, जिस पर जवाब देना चाहिए। सात बजे जेसी का फोन आया था 7 बजे। मैं फरदरी में आया था, बस सेंटर से आया था वहाँ से, फिर आके यहाँ पे वो छुट्टी काट के गया। फिर जैसे मैंने ये वो की बात हुई 31 तक, तो उस बाद भी कोई बात नहीं हुआ। हाँ, मैं आर्मी में था। चलो, उसमें देश के लिए शहीद हुआ, थोड़ा गर्व भी आ गई। चलो भाई, मैं जो उन्होंने भर्ती हुआ 16 साल के बाद, वो इसमें जो काम भर्ती हुआ वो अच्छी बात थी। मैं थोड़ा अफसर का भी ट्राई कर रहा था, बोल मैं अफसर बनूँगा। यहाँ पे बुकें भी मैं साथ में लेके गया वहाँ पर, लेकिन किस्मत में नहीं होगा तो क्या बोल सकते हैं। चीन ने जो किया वो गलत किया। अब उसका जो भी है, गवर्नमेंट जो है वो अपना फैसला सही लेता कि यानी और जो नुकसान किसी का ना हो। मांग अभी यही है कि थोड़ा भी अपना जो भी चीज़ है, जो भी फैसला करते हैं, जो भी होया वहाँ पर, वो इनकी एक अनहोने वाली बात है। अगर वो ठीक होता तो बंदे थोड़ा सा ये अपनी तैयारी करते, तो उसमें कोई ऐसा असर नहीं हो सकता। और जो हाथ होली कैप्टन थे फौज में, तो खुद के दादा बोली वो भी फौज में चाहिए, 26 पंजाब में थे पहले। बच्चा 10 साल के बाद हुआ मेरे, 10 साल के बाद मैं आया। अच्छी खुशियाँ थी, अच्छी वो सब कुछ थी, लेकिन अभी क्या बोलें, इसमें मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा अभी क्या हुआ। सिचुएशन ये है कि जो भी हो रहा है वहाँ पे, कि यानी कि हम जो पीछे हटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने जो किया नहीं है, और जो बंदे गए आगे तो उनके जो भी चीज़ें हुई है वो एक्चुअल जो इसमें जब उन्हें गलत हुआ वो। शहीद अंकुश के अध्यापक अजय कुमार शर्मा ने बताया कि 10 साल तक पढ़ाया है और बचपन से ही अंकुश का सपना था कि देश सेवा करनी है। उन्होंने बताया कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और ऐसे में युवक को खो दिया है। उन्होंने कहा कि शहादत पर फक्र महसूस कर रहे हैं, लेकिन चीन की हरकत बहुत ही खराब है। सर, वो मेरे पास 10 साल पढ़ा था, मतलब हमारे पास वो नर्सरी से लेके 8th क्लास तक उसने पढ़ाई जो हमारे पास की थी। बचपन से ही उसका एक ही लक्ष्य था कि देश की सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का। उसके दादाजी भी आर्मी में थे, पिताजी भी आर्मी में थे, और उन्हीं के पदचिन्हों के ऊपर चलकर वो उसका भी यही हमेशा से यही सपना रहा था। जब भी उससे कक्षा के में हम पूछते थे कि आपका भविष्य में क्या लक्ष्य है, क्या आप बनना चाहोगे, तो उसका हमेशा से एक ही जवाब होता था कि मैं भी अपने माता जो हमारे पिताजी हैं और दादाजी हैं उनके पदचिन्हों पर चलकर हम भी देश की सेवा के लिए मैं भी आर्मी में ही जाऊँगा। और उसने सिर्फ इसके लिए ही उसने प्रयास किए। हालांकि वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था, उसने मतलब वो कई फील्ड में और भी काम कर सकता था, लेकिन उसका बचपन से यही सपना रहा कि वो केवल सेना में ही भर्ती होकर देश की सेवा करेगा। आज वो शहीद हुए हैं, क्या जी जी, ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि ये जो अभी माहौल बना है, इसकी वजह से हमारा जो अपना मेरा अपना मतलब जो स्टूडेंट रहा है और अपना बच्चे की तरह हमारा था, तो उसकी शहादत पे हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये वैसे हमारे लिए, इलाके के लिए ये फख्र की बात है कि हमारा जो बेटा था वो देश के लिए शहीद हुआ है, उसने अपनी शहादत दी है, और
वो देश की सेवा में लड़ते लड़ते जो शहीद हुआ है। लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई थी? अभी पीछे वो छुट्टी आया था, उस टाइम मेरे से उससे मुलाकात हुई थी। वही SDM बड़सर IAS अमित कुमार शर्मा ने कहा कि कड़ौता गांव में अंकुश कुमार भारत चीन सीमा पर शहीद हुए हैं और पार्थिव शरीर के आने के लिए अभी सेना के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि अंकुश कुमार की शहादत पर बहुत दुख है और परिवार की प्रशासन द्वारा हर संभव सहायता की जाएगी। हाँ, इस बारे में हमारे पास एक जानकारी है, बिकॉज ऑल्दो नॉट थ्रू ऑफिशियल चैनल्स वी हैव नॉट रिसीव्ड इट येट, बट जो उनकी फैमिली है और जो पंचायत प्रधान है और हमारे रिटायर्ड कर्नल है वहाँ पे अशोक जी, उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमको पता चला है कि मिस्टर अंकुश जी सन ऑफ अनिल कुमार द रेजिडेंट ऑफ कड़ौता पंचायत ऑफ तहसील भोरंज, जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है पल्टन के थ्रू जो वो बोल रहे हैं कि उनकी डेथ हुई है ड्यूरिंग जो इंडो चाइना LOC को लेके डिस्प्यूट और इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में, वहाँ उनकी डेथ की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। इसके बारे में DC ऑफिस एंड SP ऑफिस से कोऑर्डिनेशन चल रही है और जैसे इसके बारे में पता चलता है आई विल इन्फॉर्म यू।